राम राम जी। हाँ जी राम राम। आज जो यहाँ पर जो पंचायत होने जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, अभी तो कोमल बात चल रही है, इबा कोई बातचीत नहीं चल रही। अभी भी तो भाई समाधान होने लग रहे हैं और करने लग रहे हैं। अच्छा, जो ये सातवीं आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं जी, काम बहुत ठीक करी है और कर दी रहेगी। अच्छा, अपना गांव कौन सा है जी? अपना ये गांव है जी। और बगड़ कौन सा जी आपका? बगड़ केड़ी पाना है जी। केड़ी पाना से? हाँ जी। फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, साध्वी के बारे में कैसे काम किया है? लोगों का आरोप है कि भले इनका पैसे पर जो रोड़ा होता है और कुछ नहीं होता जी। देखो मैं बताऊं, जितने दिन वही है ना, 4-5 महीने हुए हैं ना, तो किसा दरोस कर दी। और जितने समझा के बात करती है ना, समझा 4 बार बात करेगी। और कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, अपना मुँह तो कहती नहीं और अपना मुँह तो मांगती नहीं। और जो हम हाँ नहीं, हमनू कहते भाई जो दे दो, अपनी कामना आप खुद दे, चाहे 1 दो चाहे 10 दो, हम अपना मुक्त नहीं कहेंगे जी, ना और कोई कहेगा। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हरी राम नाम है जी। हरी राम? हाँ जी। खेड़ी पाना से? खेड़ी पाना से। अच्छा, आपने इसमें केला के कि मैं राम होगा क्यों? आराम हो गया जी, खुद मैं हूँ, मेरा तो डंग नहीं पटा दी आज ही साहब है जी, बिल्कुल सही हो रहा हूँ। बिल्कुल सही हो रहा। हाँ जी, 3 झाड़े लगे थे जी, 3 झाड़े में नॉर्मल हो गया जी। अच्छा, जो बाहर से आते लोग उनको आराम मिलता कि नहीं मिलता? उनको आराम मिलता है जी, बहुत से आराम मिल जाता है। वो आने कहते हैं भाई हमारा आराम हो गया, और आने भी कहते हैं 2-4 आने, वो साथ आते हैं, उनको भी आराम हो जाता है जी, वो अपने मन की बात हो जी। और जो उन्होंने नहीं कहते भाई गलत हो गया, वो बिल्कुल सही कह जाते हैं और सर आ जाते हैं भाई इसी तो बहुत है, झाड़ा लग दे आराम हो जाता है। हाँ जी, यहीं पर रहेगी जी, यहीं पर रखेंगे। हम ले रखे है तो हम अपने दम पर रखेंगे, हमारा में दम है, हम नहीं टिकने दिया। और देखो जी, सास है इतना है, और देखो जी हमारे नहीं रहेंगे, उनके रहेंगे तो वो दूसरी बात है जी। ये तक हमने ले रखी है, रखेंगे जी, और अपना दम पर रखेंगे जी। हाँ जी, मैं गाँव, मेरा नाम दिलीप सिंह, गाँव बैरवी चरखी दादरी। मेरा हरनिया का था। हाँ, मैंने डॉक्टर दिखाया, मेडिकल दिखाया। हाँ, और झाड़ा लगवाया मेरा राम नियम। 1 तारीख को एतवार को यहाँ किसी ने बताया था, पूछा था। हाँ, एतवार को, मंगलवार को, फिर बिस्तवार को आया। मेरा 100 का 100% आराम है। अच्छा। और डॉक्टर ने मेरा 15 तारीख ने ऑपरेशन बोल दिया था, मेडिकल रोते रेफर कर दिया था, चाहे सार जाओ। ये कागज ले रहे हो आप? कागज ले रहे, देख लो। देखो जी, लो देखो भाई, जो कागज आपने प्रूफ के साथ आ रहे हैं भाई। ए प्रूफ देखो, पढ़ो। ये देखो भाई, जो कागज चाहिए सारे देखो, क्या भी देखो। ये देखो भाई, जो कागज इसके प्रूफ के साथ भाई, ताऊ आपने ये रिपोर्ट देखो, करो दे लो जी। दो दिन लगातार मैं टेस्ट ले आया जी। अच्छा जी, ये देखो जी, ये देखो जी। आपने यहाँ पर कितने झाड़े लगवाए थे? मेरा 3रा झाड़ा था जी, 1 तार थे, लेकिन आज तक 3रा था। अच्छा, आज चौथा झाड़ा लगवाना आया था। अच्छा। इसमें आपने कितना क्या राम मिला? मेरे को 100 का 100% है, जब चेक हो जाओ। अच्छा। बिल्कुल 100 का 100, मैं खड़ा नहीं हो सकता था जी। अच्छा। और ये देखो, आपने यहाँ हरणिया थी। अच्छा। इतनी बड़ी है, ये देखो। अब कोई शिकायत नहीं है मेरे, चलती दर्द नहीं हो जाता था, बोल नहीं सकता था। अच्छा, बोल नहीं सकता था। हाँ। गांव कौन सा जी आपका? मेरा गांव बैरवी तरखी दादरी। गांव बैरवी तरखी दादरी। हाँ। ठीक, धन्यवाद। और जो पाखंड चला रहे हूँ, पाखंड बोलते हैं इस मंदिर, बाबा गोरखनाथ का मंदिर में आज का दिन सात भी है, किसका कोई पाखंड नहीं है। तो पाखंड भी कर रहे हैं बड़ी गाड़ियों वाले, जिनका झाड़ा को कहीं, जैसे वो सवाईनाथ जी महाराज बोलते हैं, उनके गाड़ी में 35 लाख की गाड़ी कहाँ से ले आया? गद्दी गाँव के चंदे से आई होगी, गाँव ने दिया होगा, बताओ उन्हें किसका भला किया है, बताओ। हाँ जी, मैं, मेरी यही बात है, क्यों गरीब को सब मारते हैं? हर समाज में अच्छा ही काम करता है, आप पाव लगाओगे तो पाव को बासन फोड़ने वाले 100 पाओगे, और रखने वाले 1 पाएगा, उसका विरोध करते हैं। यहाँ दारू सल्पा चला, उसका कोई नहीं करते, हर मंदिरों में करीब करीब दारू को चलती है। पालीनाथ महाराज है, हाँ जी, वाणी खड़े हैं, मैं दारू चिड़ती है, वहाँ क्यों नहीं करते, क्यों? उकड़ू का बैठना काम नहीं, आज देखो मैं उकड़ू भी बैठूँ, देख इतना तो बाल हो निडिया वक्त, तीनों डंड बैठक मार दूं, या बीती है मेरी। और 2 झाड़े लग गए हैं, और भाई इसकी मदद खातिर मैं आया हूँ इतनी दूरी, अगर मेरा आराम हो रहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। आपने दवाई भी ले ली कहीं से? दवाई छक्कर ले ली, और देख
धोखे मुंह न प्लास्टिक की ढकनी भी गाल ली मरे अगे इस कामयाबी बनाई लेकिन इसते भी नहीं दो जाड़े लग गए कुल 10 रुपये चढ़ाए दे मने कुल 10 रुपये अपनी श्रद्धा ते और मरेड़ी हूँ सोनी पत्थर जटवाड़े से हाँ खड़ा होया हूं इस बड़का मानता नहीं मैं लुट दिया पिट दिया 2 लाख में ढकनी ढकरी है मेरा 2 लाख में ब्यो तो मेरा 5 रुपये का नहीं 2 लाख में हाँ 2 लाख में टिकरी है यार और फरी ठीक हो गया देख मैं इस परमात्मा की देन अगली ने एक पीस आ दिया 10 रुपये मैंने थाली में रहे थे अपनी उपकते और कुछ नहीं ना मैं बलाया फोन पर वीडियो देखी थी जमा आया हाँ अरे सांझ का फोन पर या देखी थी किसी का सही आराम हो रहा हुआ तो मैं मेरी मदद कर सके मकाम मकाम में आऊँगा ठीक है। पंचायत है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये मेरे गांव मुखरा की पंचायत हाँ हाँ मेरे गांव मुखरा में 4 सरपंच बने हैं 4 पंचायत हैं हमारी है खेड़ी पानी की पंचायत ये जो पंचायत जिसने रखी रोज पानी के सरपंच ने रखी या किसी साधु बाबा जिया ने रखी या किसी अन्य और ने रखी हमें कोई इतला नहीं मिली ना तो हमारे सरपंच को इतला मिली कि 7 तारीख को मोखरा के अंदर पंचायत रखा है ना कोई हमारे भाइयों के किसी को भी किसी जाति 37 बरादरी में किसी जाति को इतला नहीं मिली अगर 7 तारीख ने वहाँ पंचायत रखा है वहाँ आजियो अगर भाई साधु के बारे में रखा है कौर के बारे में रखा है हमें आज तक कोई इतला नहीं मिली यानी कि आपके जो खेड़ी पाना है किसी को भी सूचना नहीं इस चीज की कि यहाँ पंचायत है नहीं हमको किसी को सूचना नहीं मेरे पास 20-30 आदमी खड़े हैं यहाँ और ये जो उनको तो सूचना हो ये जो साध्वी जी हैं जी हाँ ये चमत्कार करते हैं पाखंड है नहीं नहीं ये साध्वी जी हैं ये गुरु गोरखनाथ की भभूति दे रही हैं उसे किसी का आराम लग जाए तो आ जाता ना लगे तो टाड़ा हो जाए ये कोई पाखंड हमारे दिमाग से तो कर नहीं रही ये यदि पाखंड करती तो इसको यहाँ 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा एक और बताओ आप मोखरा के निवासी हो कुछ मोखरा की लेडीजों ने इल्जाम लगाए इन पे ये हमारे भूतकाल ने गए या जो जाप्ता बनने गए 11,000-13,000 के लिए इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है ये किसी से पैसा नहीं लेती क्यों हम इस मोखरा गांव खेड़ी पान पंचायत के ही सदस्य हैं हम सुबह शाम दोपहर को इसको हमारे आदमी भी देखते रहते हैं क्या करती है क्या नहीं करती है ये किसी से कोई पैसा नहीं लेती है पैसे का बिल्कुल बलंडर पहुँचा रखा है। रही मैंने एक वीडियो वायरल से सुना एक पत्रकार से भी सुना अब ये बोतलें चढ़ाती है जो दो बोतलों वाली बात थी वो ये पहले लेती थी ना लेती थी जब मैं आदर नहीं था लेकिन इसका मनान के देखा बावजूद आँखों से तो इसको एक बोतल चढ़ाती मिली मेरे को एक ही बोतल चढ़वाती है उसी में गुरु गोरखनाथ की भूति को प्रकोप करती है शराब छुटाने के लिए वो एक बोतल उसी शराबी को दे देती है या कोई बोतल नहीं रखती 2 सिगरेट एक बोतल रखती है। एक एलिगेशन हो रहा है इनके ऊपर भाई जो कमेटी वाले हैं दारू पे सांझ न रोड़ा हुआ इनका बटन पे इसके बारे में कहना चाहता हूँ इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ पहली तो बात हमारे मंदिर के अंदर यो मंदिर नहीं और भी मंदिर है 3-4 हमारी पंचायत में हमारे मंदिर में शराबी का कोई रहने का ठहरने का आने जाने का कोई महत्व ही नहीं है क्यों हमारी कमेटी का इतना कंट्रोल है मंदिर में कोई भी शराबी आगे पीछे से भी मिल जाएगा तो उसको पीटा भी जाएगा और मंदिर में रहने भी नहीं जाएगा। जो चढ़ावे की शराब आती है उसके उसको लेकर विवाद होता है कमेटी के सदस्यों का ये मेरी बात है ये आपको किसी को झूठी इतला दी गई है एक ही बोतल लाता है शराबी कोई भी शराब छुटाने वास्ते वो एक बोतल में 4 पैक तो उसको पिला देती है जो साध्वी बोल रहे हैं उसको वह पिला देती है बाकी उसको वापस दे देती है तुरंत।